press the bell icon on the YouTube app and never. क्या हिजाब के चक्कर में शिक्षित बच्चियों को की ब्लास्फेमी के नाम पर और इस्लाम के नाम पर और लिंचिंग कर करके उनकी हत्या नहीं की गई है? बिल्कुल की गई है ईरान में. क्या ईरान में एक वक्त नहीं आया कि मुसलमान मस्जिदों में नमाज तक नहीं पढ़ने के लिए जाते थे, मस्जिदें खाली हो जा रही थी, लोग उत्तेजित हो रहे थे, लोग आक्रोश में आ चुके थे ईरान से कि भाई तुम इतना ज्यादा हमें ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हो और ईरान की मस्जिदें खाली हो. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लायक खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी कि कैसे भारत ने ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया और दूसरी ओर कैसे भीड़ ने नाज़िया खान जी के ऊपर हमला बोला, उनको जान से मारने की कोशिश की और कैसे नाज़िया खान जी को गिरफ्तार किया गया. तो खुद आप जानेंगे नाज़िया खान जी से पूरी कहानी. तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. नाज़िया इलाही खान जी हमारे साथ हैं. नाज़िया जी सोशल वर्कर हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और एक्टिविस्ट हैं. बहुत बहुत स्वागत नाज़िया जी आपका. अभी हाल में नाज़िया जी जो हैं इस्लाम को प्योरिफाई करने के लिए उसकी कमियां दिखाती रहती हैं और इसी वजह से अभी हाल में इनकी लिंचिंग की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी ये कोशिश कर रही हैं, इसके बाद भी ये लगी हैं अपने रिलीजन. दर्द है कहीं ना कहीं अंदर कि जैसे मैं एक लॉयर बनी हूं, जैसे मैं अपने लोगों के लड़ रही हूं, तो बाकी बेटियां क्यों नहीं कर रही इसी रिलीजन की. ये दर्द दूसरों के अंदर ज्यादा दर्द पैदा कर रहा है. मैडम स्वागत आपका. ये बताइए कि पहली चीज तो कि ये जो इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज और मुस्लिम्स की कहानी और ईरान को क्या प्रॉब्लम होने लगी हमसे? क्या पता कि अमेरिका ने बोला होगा या कुछ दिया होगा, क्या पता कि चाइना ने कुछ दिया होगा और बोला होगा कि बोलो. और ईरान के प्रॉब्लम्स को और इस्लामिक सेंटीमेंट्स को कौन नहीं जानता है? अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी कुछ दिनों की बात है कि ईरान की सरकार ने मुस्लिम बच्चियों की शादी का जो एज है वो 9 साल कर दिया था. 9 साल की बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए ये सरकार ने कहा था और ईरान में पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था. पूरा का पूरा ईरान रोड पर था कि तुम ये कैसे कर सकते हो, बच्चियां 9 साल में शादी कर दी जाएंगी, ये कैसे पॉसिबिलिटीज है ईरान में? क्या हमें याद नहीं है हिजाब को लेकर के क्या कुछ नहीं हुआ? क्या मिसाल आज भी हमें याद नहीं है? बिल्कुल याद है, कौन बोल सकती है? और खास करके महिलाएं तो बिल्कुल नहीं बोल सकती है, और जो बहुत ही एडुकेट पुरुष होते हैं वो भी नहीं भूल सकते हैं. क्या हिजाब के चक्कर में शिक्षित बच्चियों को की ब्लास्फेमी के नाम पर और इस्लाम के नाम पर और लिंचिंग कर करके उनकी हत्या नहीं की गई है? बिल्कुल की गई है ईरान में. क्या ईरान में एक वक्त नहीं आया कि मुसलमान मस्जिदों में नमाज तक नहीं पढ़ने के लिए जाते थे, मस्जिदें खाली हो जा रही थी, लोग उत्तेजित हो रहे थे, लोग आक्रोश में आ चुके थे ईरान से कि भाई तुम इतना ज्यादा हमें ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हो और ईरान की मस्जिदें खाली होती चली जा रही थी. कुछ ऐसे तथ्य को सामने रखूंगी मैं आपके, जो और ऐसे रेफरेंसेस दूंगी जिससे मुस्लिम मेरी बात को समझेंगे. हमारे देश में मुसलमान या तो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को फॉलो करते हैं, या तो अल जजीरा को फॉलो करते हैं, या तो आरफा खानम शिरवानी को फॉलो करते हैं, या ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं, या मोहम्मद जुबेर को फॉलो करते हैं, या अजीत अंजुम को फॉलो करते हैं मुसलमान. अच्छा, जो कोई भी भारत के प्रति अच्छा बोलेगा वो मुसलमानों की नजर में बुरा हो जाता है. जो कोई भी संवैधानिक बात को रखेगा वो मुसलमानों की नजर में बुरा हो जाता है. जो भी भारत में भारत या भारत से बाहर सनातन धर्म को अच्छा बोलेगा उसकी लिंचिंग का इंतजाम हमारे भारत में भी हो जाता है और मैं विक्टिमाइज्ड हो चुकी हूँ. अब बात आती है कि क्या ईरान में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज और अल जजीरा ने जाकर के निकाह मसियार और निकाह मुत्ता की कई विक्टिमाइज्ड महिलाओं पर
डॉक्यूमेंट्री मूवी नहीं बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी। अभी भी अगर ढूंढा जाए गूगल में, यूट्यूब पर आप जाए, जाकर के आप सर्च करें कि ईरान ब्लास्फेमी डॉक्यूमेंट्री मूवी, ईरान हिजाब कंट्रोवर्सी, ईरान मस्जिद एम्प्टी, ईरान निकाह मसियार डॉक्यूमेंट्री, ईरान निकाह मुत्ता डॉक्यूमेंट्री, तो आपको मिल जाएगा। मैं तो मुंह खोल करके बता रही हूँ कि मिल जाएगा, कंटिन्यूअसली मिल जाएगा आपको। ईरान में जितने भी इस्लाम के नाम पर जितने भी कुप्रथाएं होती हैं और जितना ज्यादा महिलाओं को अत्याचारित किया जाता है और जितना ज्यादा इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मुस्लिम पुरुषों को उनकी अश्लीलता करने का एक ठेका दे दिया गया है, एक अथॉरिटी दे दिया गया है, इसमें ये तो कोई ढका छुपा हुआ नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सारी बातें सबको पता है। और अभी हालिया की बात है कि ईरान की सरकार ने कहा कि बच्चियों की शादी 9 साल में हो जानी चाहिए, वही एज ऑफ प्योरिटी इज एज ऑफ मैरिज, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 9 साल 10 साल 11 साल में पीरियड्स हो ही रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत ने जिस हिसाब से उनको जवाब दिया है वो जवाब बिल्कुल सही था, और मैंने जो ट्वीट पढ़ा है डॉक्टर एस जयशंकर का, वो ट्वीट और भी ज्यादा सख्त होना चाहिए था, पर क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर हमेशा बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से बात करते हैं, बायस्ड तरीके से बात नहीं करते हैं, तो उन्होंने एक शिक्षित होने का और एक बहुत बड़ी भारत की भूमिका एक्सटर्नल अफेयर ऑफ भारत उन्होंने उसको दर्शाया है और अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि वो कंडेम करते हैं ईरान की ऐसी बातों को। और मुझे ऐसा लगता है ईरान को अपने गृहवान में खुद झांक करके देखना चाहिए कि व्हाट दे आर एक्चुअली। राइट, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने बोला कि लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड्स बिफोर मेकिंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स, साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह भी बोला मिस इन्फॉर्म्ड एंड अनएक्सेप्टेबल। ये ईरान में जो कुछ हुआ, हमने हिजाब देखा, ईरान में लड़कियों को मार दिया गया हिजाब ना पहनने पर, सारी चीजें एक तरफ, इसी ईरान को हमने सपोर्ट किया। इंडिया के मुस्लिम्स भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, इंडिया में तो कुछ ऐसा नहीं है। अरे आपके साथ तो लिंचिंग ही करने की कोशिश की गई, और अभी थोड़े दिन पहले तो आपको क्या धमकी दी जा रही थी कि मार देंगे ये वो, इंडिया के मुस्लिम थोड़ी कम थोड़ी है इनसे? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी कम नहीं है। और अभी मैं रिबाह के चैनल पर थी थोड़ी देर, शायद 1.5 घंटे पहले, तो उसने मुझे बताया कि और बल्कि उसने एडिट कर देगी तो अलग सी बात है कि पाकिस्तान में सबसे पहले ये मुहिम चली थी मेरे लिए गुस्ताख रसूल की सजा 70 से जुदा, और बजाफते एक हैंडबिल बना करके सबके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था और सबने अपने अपने स्टेटस में और अपने अपने इंस्टाग्राम पे और अपने अपने सोशल हैंडल पर डाला था, और कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट जो हैं वो मुझे लोगों ने भेजा भी था कि पाकिस्तान में ये मुहिम चलाई जा रही है। तो जब पाकिस्तान में ये मुहिम चलाई जा रही थी तो पश्चिम बंगाल में उस मुहिम के हिस्सेदार कैसे नजर आ गए? तो इसका मतलब है कि जो लोग मेरी लिंचिंग करने के लिए अलीपुर कोर्ट में आए थे, जो लोग मेरी लिंचिंग करने के लिए न्यायपालिका के दहलीज पर आए थे, न्यायपालिका के भीतर एंटर किए थे, इसका मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से है, क्योंकि मुहिम चली तो थी पाकिस्तान में, तो फिर वो पश्चिम बंगाल में कैसे आ गई? अब ये मुहिम पाकिस्तान से केरला गई थी, केरला के पुलिस कमिश्नर को मैंने लेटर भी लिखा था, मेल भी किया था, और मैंने कहा था कि FIR करने से पहले कंटेंट जरूर सुनिएगा और कम से कम 200 बार सुनिएगा, 200 बार सुनने के बाद अगर आपको लगेगा कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपीस अपॉन हिम के खिलाफ नाउज़ु बिल्लाह कोई बात कही है, देन गो अहेड, आप FIR जरूर करें, क्योंकि मुझे भी समझ में आना चाहिए कि मैं अपने अपने रसूल पाक के बारे में गलत कैसे बोल सकती हूँ, इसकी सजा मुझे खुद भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे कंटेंट में प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र नहीं है, अगर मेरे कंटेंट में अल्लाह तबारक ताला का जिक्र नहीं है, या मैंने नाउज़ु बिल्लाह उनको डिफेम या मलाइन नहीं किया है, तो फैब्रिकेट FIR काइंडली मत बनाइए। ये मैंने मेल किया था तेलंगाना पुलिस कमिश्नर को, केरला पुलिस कमिश्नर को, न्यू सिटी टाउन में ये मैंने मेल किया था, और वहां पर कोई FIR, हालांकि वहां पर प्रदर्शन सबसे ज्यादा हुआ,
और पीएफआई के नेतृत्व में हुआ है। मेरे पास वीडियो फुटेजेस है कि पीएफआई के नेतृत्व में हुआ है। पीएफआई कौन है? कांग्रेस के पल रहा और स्टैंड हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका का स्टैंड वो आतंकी संगठन है और पीएफआई के नेतृत्व में सुन्नत जमात ने पूरा मेरा पोस्टर बना करके, मेरे पोस्टर पर चप्पल लगा करके, सुअर का मुंह लगा करके उन्होंने पूरे प्रदर्शन निकाले। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।